गाइस 121 फेरे यहाँ पे पड़े गए हैं। तो भैया हमारे हिंदू धर्म में तो एक लड़की का भी कन्यादान को बहुत बड़ा पुण्य का काम और बहुत ही अच्छा कर्म माना जाता है, जो कि यहाँ पे 121 लड़कियों की शादी हुई है, तो उन्हें कितना पुण्य मिला होगा और कितना बड़ा काम किया वो आप सोच ही सकते हो, है ना। राउंड जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ले जा चुका हूँ एक और न्यू व्लॉग गाइस। और गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमें पड़ गया है खेत में काम, तो जल्दी से चलते हैं खेत में और आपको बताते हैं क्या काम है, ठीक है। तो जल्दी से खेत में चलते हैं सुबह के 7 बजे सर्दी के मौसम में, लेट्स गो। तो मम्मी जी के यहाँ पे सब्जी बनानी चल रही है और मम्मी जी भिंडी बना रही है, वो भी सर्दियों में। सोच लो सर्दियों में भिंडी कितनी मुश्किल से मिलती है, आप देख लो। और मम्मी जी यहाँ पे सर्दियों में हमारे लिए भिंडी बना रही है, क्या बात है। मम्मी आज मैं वो ले आऊँगा ऑफिस में, ठीक है, और मैं जा रहा फिर, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी मैं चलता हूँ जल्दी से। भैया 15 दिसंबर हो गई और ठंड ज़्यादा कुछ हुई नहीं, सही बात है भाई, बढ़िया। यही है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कि गर्मी पड़ रही और सर्दी नहीं हो रही। तो ये लीजिए गाइस, स्कूटी से मैं सक्सेसफुली ठंड के मौसम में गेहूं के गट्टे मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे अपने खेत में। और देखो खेत में मौसम कितना प्यारा हो रहा है भाई, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। और ये है गाइस यहाँ पे खाद जो खेत में पड़ रहा है, देखो ये खाद है पूरा, ये गेहूं नहीं है भाई, ये खाद है, ठीक है। और ये देखो भाई सामने का व्यू, पूरा नज़ारा, और एक कट्टा मेरे को पूरा पीछे तक लेके जाना है। तो गाइस चलते हैं, मजे आएंगे। बाकी मौसम बहुत सही हो रहा है भाई साहब, 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो सोचो जल्दी चलते हैं पीछे। तो चल लीजिए गाइस, सुबह सुबह ही यहाँ पे मशक्कत हो गई भाई, शरीर की मशक्कत हो गई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बस 8 बजे तक का टाइम है, फिर उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो इसीलिए हम सुबह 7 बजे आए जल्दी जल्दी से और कर रहे हैं अपना काम, ठीक है। खेत में गेहूँ लगाया जा रहा है, गेहूँ की फसल लगाई जा रही है, और दिसंबर का आज 15 दिसंबर, आधी दिसंबर हो गई ना, तो इसीलिए गेहूँ हम लगा रहे हैं यहाँ पे। चलो ऑलमोस्ट पहुँच गया मैं, ऑलमोस्ट पहुँच गया, पहुँच गया, पहुँच गया, कम ऑन निखिल, यू कैन डू इट। और यहाँ पहुँच गया, यस। तो गाइस यही है किसान की ज़िंदगी भैया, कि एक फसल ख़त्म नहीं हुई दूसरी फसल लगाने के लिए चल देता है। जैसे हमारे यहाँ गन्ने की फसल ख़त्म नहीं हुई और हम गेहूं की फसल के लिए तैयारी कर दी और लगाना चालू कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है भाई, किसान 12 महीने बिजी रहता है, कभी फ्री नहीं हो पाता ज़िंदगी भर, ऐसा ही सीन है। बाकी हमारे यहाँ भी अभी गेहूँ लगेंगे पूरे में यहाँ पे पीछे, और फिर अप्रैल के टाइम में गेहूँ की फसल काटी जाएगी। उसके बीच में बहुत हार्ड वर्क होता है भैया, पानी देना, उनकी टेक केयर करना, उन पर दवाई डालना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी तो यहाँ पे इन सब को जोत रखा है, पूरे खेत को हल चला रखा है गाइस, यहाँ पे अभी खाद ऐसे बखेरा जाता है पूरे खेत में, जिससे कि खेत हमारा उपजाऊ हो जाए, गेहूँ जो उगे वो अच्छे तरीके से उगे और एकदम बहुत बढ़िया ग्रोथ हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे वो डालते हैं पूरे में खाद। इधर वाले खेत की साइड यहाँ पे गेहूँ अभी लगाए जा रहे हैं और इधर यहाँ पे उग चुके हैं, देखो भाई ऐसे गेहूँ लगेंगे, देखो ये भैया गेहूँ, ये देखो ये गेहूँ की फसल ही है अभी जो चाचा जी और ने लगा दी गई है, देखो ये चेक करो भाई साहब, यहाँ पे सूर्यदेव भगवान जी हमें दर्शन देते हुए, जय सूर्यदेव भगवान की, ये देखो भाई मैंने देखा क्या, सूर्यदेव भगवान जी इतने प्यारे तरीके से हमें दर्शन दे रहे भाई, वाह सुंदर भाई, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम सिनेमैटिक व्यू आ रहा है, बिल्कुल सिनेमैटिक व्यू। और लीजिए गाइस अब हम चल दिए खाद का कट्टा नीचे लेके, क्योंकि ऊपर खाद डाल दिया गया है, वो नीचे चलेंगे। और बाकी व्यू ये चेक करो भैया, पीछे का व्यू यार बहुत ही प्यारा लग रहा है, गजब का। बाकी धीरे धीरे मैं भी चल रहा हूँ, चेक करना भाई पीछे का व्यू, इसलिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, वरना मेरे को पड़ी नहीं उल्टा चलने की। चलो लेट्स गो। ये हो चुका है गाइस पूरे तरीके से सनराइज, जो कि मैं आपको खेत से दिखा रहा हूँ। और नीचे देखो चारों तरफ यहाँ पे हल्का हल्का कोहरा दिख रहा है ना खेत में, वो ओस है भाई जो पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखो भाई ये दृश्य बस सुबह सुबह देखने को मिल सकता है, वो भी खेत के पास में। और चलिए गाइस अब हो चुका है मेरा घर जाने का समय, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये देखो ये नजारा, ये
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू। और गाइस अब जल्दी से चलते हैं नहाने के लिए और रेडी होने के लिए, क्योंकि 8 बज गए और जल्दी से मेरे को सब कुछ करना है, ब्रश व्रश फ्रेश होना है और फिर उसके बाद सीधा नहाने आना है और फिर रेडी होना है। ठीक है तो जल्दी से करते हैं, मम्मी अपना काम कर रही है और भांजा अपना काम कर रहा है। ठीक है तो जल्दी से करते हैं चलो। देख रहे हो मम्मी जी का स्ट्रगल यहाँ से, मम्मी जी ने इसे बेचारे को यहाँ पे बिठा रखा कि ये कहीं ना गिरे और आराम से बैठा रहे और मम्मी जी वहाँ पे इसके लिए डिफेंस बना दे और अपना काम भी कर ले सही से, है ना। तो सुबह हमें इसलिए जल्दी रहती है बहुत ज्यादा, मम्मी जी को भी और मेरे को भी और हमारे भांजू को भी, बेचारा भांजू ऐसे चुपचाप होकर देखता रहे, है ना। और चलिए गाइस अब जल्दी से जल चढ़ाते हैं। जय हो सूर्य देव भगवान की, जय हो सूर्य देव भगवान जी, आपको शत नमन भगवान। और चलिए गाइस अब जल्दी से नाश्ता करते हैं और चलते हैं क्योंकि लेट हो गया बहुत ज्यादा, 8:33 हो गए। ठीक है तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं सीधा ऑफिस। ठीक है और गाइस जल्दी से चलते हैं क्योंकि 8:43 हो गए। ठीक है मम्मी राम राम, भांजू राम राम, और चलो भाई जल्दी से अपना सिस्टम उठा के चलते हैं। ठीक है और आने के बाद मिलेंगे आप सभी को, और अभी बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय और मिलते हैं शाम को। ठीक है 8:45 हो गए। सो गाइज अभी मैं लौट के आ चुका हूँ ऑफिस से सीधा घर और अभी बज रहा है 6:30। और गाइज मेरे को ऑफिस में मेरे एक दोस्त ने बताया कि भैया एक जो मेरे से थोड़ी दूर जगह है वहाँ पे 121 जो गरीब परिवार है उनकी लड़कियों की शादी हो रही है। भाई साहब 121 लड़कियों की, तो एक कम्युनल जो मैरिज होती है ना वो एक साथ होती है तो वो हो रही है, एक कोई करा रहे हैं तो वो भी वहाँ जाके बताएंगे। और गाइज मेरे को कुछ नहीं पता बट ऐसा मेरे को पता चला है सबसे, तो जल्दी से चलते हैं। और भैया सर्दी वर्दी हो रही है उसे हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा निकल लेंगे और देखेंगे गाइस क्या होता है, क्योंकि मैंने आज तक 121 शादी एक साथ होते हुए नहीं देखी। सच बता रहा हूँ मैंने तो नहीं देखी आज तक अपनी लाइफ में, मैं 24 साल का हो गया तो फर्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसा देखने को मिला, सौभाग्य मिला तो जरूर देखेंगे। और भाई जो करा रहा है बहुत ही बेहतरीन चीज करा रहा है भाई, बहुत ही बेहतरीन। और जल्दी से चलते हैं, बाकी राम राम जी सभी को। तो ये लीजिए गाइस सब यहाँ पे टीवी देख रहे हो, सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके जल्दी निकलते हैं। ठीक है मम्मी, तो मम्मी जी यहाँ पे खाना वाना बनाना हो रहा और सब यहाँ पे अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं डैड। चलिए गाइस अब अपनी स्कूटी पे जल्दी से चलते हैं क्योंकि मेरे को जाना है। ठीक है और मैं रेडी हो चुका भाई, जल्दी जल्दी में कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मेरे को इतनी बढ़िया जबरदस्त चीज पता चली तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं जाएंगे। बाकी मौसम पूरा सर्दी वाला हो रहा है बट गाइस बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मजा आएगा। ठीक है चलिए जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो और अटेंड करते हैं कम्युनल मैरिज, बहुत जबरदस्त लेवल वाली होने वाली। मेरे को सच में कुछ नहीं पता, मैं भी वहीं जाके देखूंगा। ठीक है तो चलिए लेट्स गो। सो गाइस अपने घर से 10 किलोमीटर दूर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ये 121 जो लड़कियों की शादी हो रही है उन्हें देखने के लिए। भाई साहब गाइस बहुत गंदे वाला पोपट हो गया भाई साहब, पता जो 121 लड़कियों की शादी थी ना मैं उसी जगह और उसी प्लेस पे खड़ा हूँ जहाँ पे शादी हो गई। ठीक है मतलब 12 बजे दोपहर में हो गई और मैं शाम को आ रहा हूँ 7 बजे क्योंकि मेरे को तो शाम को बताया गया था। और गाइज मैं तो वैसे भी ऑफिस में था पर अगर कोई मेरे को बताता तो मैं फिर भी कोशिश करता कि 12 बजे किसी ना किसी वे में आता ही, बट गाइज मेरे को सच में नहीं पता था। और देखो अभी क्या सीन चल रहा है पीछे का, अब तो यहाँ पे काम निपट गया और सब कुछ ख़त्म हो गया और सामने का दिखा दो क्या सीन हुआ भाई। 121 शादी में यहाँ पे 121 लड़कियाँ विदाई हुई है भाई, उनका कन्यादान हुआ है, फेरे हुए हैं और सब कुछ हुआ है इस शादी में। तो भैया बहुत बड़ी लेवल पे शादी थी और पूरे हरिद्वार में इसकी चर्चा है। गाइज 121 फेरे यहाँ पे पड़े गए हैं और यहाँ पे मंडप बनाया रखा था, ये देखो भाई साहब मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में, देख लो सब जगह यहाँ जितने भी है ना 121 है पूरे, मैंने भैया से पूछे और चारों तरफ यहाँ 121 मंडप में यहाँ पे फेरे हुए हैं और 121 जो लड़कियाँ हैं उन सबकी शादियाँ हुई हैं भाई। और यहाँ पे उमेश जी ने कराया, जो खानपुर के विधायक है ना उन्होंने कराया भाई, ये देखो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है काम और इतने बड़े लेवल में गेस्ट भी आए थे और सामने सब कुछ हो रखा था। अभी तो फिलहाल सब कुछ ख़त्म हो गया, सब पैकअप हो रहा है क्योंकि सब ख़त्म हो गया भाई, है ना। और वह देखो इतने बड़े लेवल पे अभी भी आप सोच सकते हो अभी भी काफ़ी कुछ हमें देखने के लिए है और इस जगह पे शादी हुई है भाई। भैया हमारे हिंदू धर्म में तो एक लड़की का भी कन्यादान को बहुत बड़ा पुण्य का काम और बहुत ही अच्छा कर्म माना जाता है, जो कि यहाँ पे 121 लड़कियों की शादी हुई है तो उन्हें कितना पुण्य मिला होगा और कितना बड़ा काम किया है वो आप सोच ही सकते हो, है ना। और पीछे बहुत ही बड़े लेवल पे काम हुआ भाई, मतलब पूरे हरिद्वार में चर्चा है और सब कह रहे थे भैया बहुत तगड़ा काम चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त शादी हो रही है। और यहाँ की डेकोरेशन से ही जो अभी हाल फिलहाल में बची हुई है उससे भी आप देख सकते हो कि कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे शादी हुई होगी और कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे पूरा आयोजन किया होगा प्रोग्राम का, ये देखो
तो यार मैं खुद को बहुत ज़्यादा वो मान रहा हूँ यार, क्या यार अच्छी चीज़ मैं देख नहीं पाता यार, पता नहीं क्यों, तो मेरे से मिस हो गया, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। बाकी अब तो सब पैकअप हो गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। भैया बता रहे हैं कि टोटल भाई साहब 70 लाख के अराउंड यहाँ पे खर्चा आया है 121 लड़कियों की शादी कराने में, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे अरेंजमेंट किया था और बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया प्रोग्राम को, तो मैंने सब जान लिया। बाकी अब मैं चलता हूँ घर, क्योंकि अब तो कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ फिनिश हो चुका है और जितनी मेरे को जानकारी देनी थी मैंने दे दी। और बस आप सबको ये बोलूँगा जितना हो सके आप भी हेल्प किया कीजिए। सो गाइस, जिस भी महान व्यक्ति ने भाई ये काम कराया बहुत ही बढ़िया काम कराया है, और मतलब मेरे को तो बहुत खुश हुआ जब मैंने सुनी थी ना खबर, बहुत ही अच्छा लगा था कि 121 लड़कियों की ऐसे शादी हो रही है, और मेरा भी मन था देखने का, बट किस्मत में ऐसा लिखा नहीं था कि मैं देख पाऊँ, है ना। और बाकी चलते हैं, कोई बात नहीं यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और मेरा तो पॉवर्टी हो गया सक्सेसफुली, है ना। और अब सीधा घर चलते हैं क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और 7:45 बज गए भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। गाइज मेरे सामने देख रहे हो दो शादी हो रही है, बट गाइज मेरा मन नहीं है किसी को भी क्रैश करने का, क्योंकि आज मैं जिस चीज़ को देखने के लिए आया था ना भाई, वो चीज़ नहीं देख पाया यार सच में, तो इसीलिए मैंने क्रैश नहीं करूँगा, मैं सीधा घर जाऊँगा। लीजिए गाइज, हम पहुँच चुके हैं दोबारा से अपने होम स्वीट होम। गाइज मम्मी जी को सुनाते हैं हम शायरी, और फिर मम्मी जी उससे समझ जाएगी कि मेरे साथ आज क्या हुआ, ठीक है। अरे रुको, पोपट नहीं, एक शायरी सुनाऊंगा। क्या दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इसे बताओ क्या समझे, बताओ क्या हुआ मेरे साथ। पोपट यार मम्मी सही समझ गई, पता भी क्या हुआ, शादी थी आज 121 लड़कियों की और हो भी गई सुबह दोपहर में 12 बजे होगी, और मैं इस टाइम पता मैं अभी भी दिखा गया सबको क्या हुआ वहां से, पर वहां से बस मंडप लगे हुए थे और पूरे टेंट वेंट लगे थे जो भी उतरने वाले थे, तो बस मैं वही हुआ जो हुआ। तो गाइस आज सक्सेसफुली पोपट हुआ और आज मैं इतनी बढ़िया शादी देखने से चूक गया। पर गाइस मेरी किस्मत में आज पता क्या लिखा था, मेरी किस्मत में मम्मी जी खिचड़ी लिखी थी, वैसे मैं बोल गया खिचड़ी खाऊंगा क्योंकि मेरी फेवरेट है, तो मम्मी जी मेरे लिए खिचड़ी तैयार कर दिया। देखो अब कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने 121 लड़कियों की शादी मिस कर दी तो क्या हुआ, भांजू की शादी मिस नहीं करेंगे, क्यों दिक्कत ले रहे, इसकी शादी कराएंगे, है ना। देखो कैसे देख रहा हूँ, देखो गाइस गाइस कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत लगी है बस, है ना, बाकी मैंने समझा लिया, इट्स ओके, है ना बाबू। थोड़ा सा फील बुरा हुआ था कि यार जब वहां पहुंचने के बाद जब देखा ना कि यार वहां पे सब कुछ खत्म हो चुका, तो दिल को बहुत बुरा लगा था कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आओ और आपको ऐसा मिले, पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता रहता है जिंदगी में और हो ही रहा है जिंदगी में, है ना। पर हमारा बहन जो है हमारे साथ सबको ओके कर देगा, है ना। तो गाइस अब जल्दी से बस कपड़े चेंज करते हैं, थोड़ी देर दुख मना लिया, अब जल्दी से बैक टू द पवेलियन, है ना। बन चुके हमारे यहाँ गर्मा गर्म खिचड़ी, सॉरी पुलाव, हमारा खाना रेडी हो चुका है सक्सेसफुली, और करते हैं अपना डिनर। ये लो भाई मैं लेके चला अपना डिनर, और करते हैं जल्दी से, लो भाई डिनर आ गया। खाना खाने के बाद यहाँ पे मम्मी जी और पापा जी अपनी रजाई में सेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ हमारे भांजू को थोड़ा बिठाना था और मम्मी जी अपना सीरियल देख रही है बैठे हुए, और मैं एक बिरान आदमी जो बिना रजाई के बैठा, ठीक है, क्योंकि मेरी रजाई के मेरी रजाई पे कब्जा यहाँ पे इन दोनों ने कर रखा, देख रहा हूँ इन दोनों ने कब्जा कर रखा, तो कोई बात नहीं भाई, हम तो बिना रजाई के भी सही है, मजदूर आदमी था वैसे भी, और 9 बजने वाले, और मम्मी जी का सीरियल तो भाई 9 बजे मंगल दिवस पे आता ही आता है, जो सिर में दर्द करता है हमारे। गाइस जैसे मैं वीडियो बनाने लगू ना तुरंत झांकने लगे, देख रहे हो कि मैं क्या बोलता रहा और क्या करता रहा व्लॉग में, बाबू तू सब समझ जाएगा थोड़े दिन बाद है। और गाइस बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि अभी बज चुका है रात के 10, और सबके साथ बैठने के बाद अब मैं करता हूँ एडिटिंग अपनी चालू, और जितना हो सकता है आप सबके लिए व्लॉग बना के लेके आ गया, और बता देना कैसा लगा। और गाइस सक्सेसफुली आज जो 121 शादी थी वो मिस कर दी भाई साहब, कोई बात नहीं पोवट हो गया आज बढ़िया करके, और बस आज का यही व्लॉग था, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और बाकी बताना यार जिस आदमी जिस महानुभवी ने ये शादी अरेंज कराई भाई, वो बहुत ही अल्टीमेट है भाई, क्योंकि जबरदस्त बात की है, और एक शादी करना ही बहुत महाभारत काम होता है मिडिल क्लास वालों के लिए, वहाँ तो 121 लड़कियों की शादी हुई है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इसकी सराहना होनी चाहिए जितनी भी है। बाकी मेरी तरफ से राम राम जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस जो मतलब मैंने सोचा था ना कि 3 लेवल की शादी देखूंगा, वो तो आज रह गया, मतलब सही बात है, मतलब रह ही गया, मैंने आज तक देखी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, जिंदगी में रहे तो आगे देख लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और कल को फिर दिहाड़ी पे जाना है, तो इसलिए जल्दी एडिटिंग करूंगा, जल्दी सोऊंगा, पता नहीं कल को व्लॉग आएगा नहीं आएगा, ठीक है, जय श्री राम।